गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 10 में हम लोगों ने माध्य और माध्यक पढ़े हैं। अब हम पढ़ते हैं बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये हमारी प्रश्नावली चल रही थी। आज हम पढ़ेंगे बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में कहते हैं मोड, और इसको प्रदर्शित किया जाता है जेड से। इसको जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, जो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है, इसका माध्यक, इसका बहुलक निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए आपकी कक्षा 10 में 20 छात्र हैं और 16 छात्राएं हैं, तो अधिक कौन है यहां पर? छात्र। इसलिए बहुलक हो जाएंगे छात्र। छात्रों की बारंबारता सबसे अधिक है। लोकसभा में बीजेपी की सबसे ज्यादा सीट है, उसके बाद अन्य दलों की सीटें हैं। बहुमत किसका हुआ? बीजेपी का। बहुमत ही बहुलक है। आया बात समझ में? ए और बी, ए बी और सी मान लीजिए कोई इलेक्शन लड़ते हैं, ए को 80,000 वोट मिले, बी को 60,000 वोट मिले, सी को 40,000 वोट मिले। ज्यादा वोट किसको मिले? ए को। तो बहुलक ए होगा और उसकी बारंबारता होगी 80,000। तो जिस प्रेक्षण की, जिस चर की या प्रेक्षण की, चर कह लो या प्रेक्षण, बारंबारता सबसे अधिक होती है, बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही चर या प्रेक्षण बहुलक होता है। बस इतनी सी बात है। राइट? तो देखिए प्रश्नावली 17.7। सबसे अधिक, एक कॉमन लाइन लिख देता हूं जो सभी सवालों में काम आएगी, सबसे अधिक बारंबारता वाला चर, बारंबारता वाला चर। अब सवाल नंबर एक में पहला सवाल देखिए, प्रश्नावली सॉरी 17.8 है, 17.7 तो कल हमने कर ली थी, 17.8। तो पहले वाले प्रश्न में ये लाइन उत्तर का हल करते समय सब में लिखेंगे। प्रश्न है आपका पहले का पहला 2, 5, 7, 5, 3, 1, 5, 8, 7, 5। बताइए कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है? निश्चित रूप से 5।
चार बार आया। सबसे अधिक बारंबारता वाला चर लेंगे हम लोग, तो आप लिखेंगे पांच की बारंबारता सबसे अधिक यानी कि चार है, अतः यही बहुलक है, यही बहुलक है। तो जैर बराबर पांच, ध्यान दें, बहुत समझदारी से सवाल को हल करें। आपको प्रेक्षण बताना है कौन सा है बहुलक, यहां पर चार उत्तर मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो जो प्रेक्षण है उसकी बारंबारता चार है, वो चार बार आया है इसलिए पांच बहुलक। इसी का ऐसे ही दूसरा है, तीसरा करा देता हूं, दूसरा आप स्वयं कर लेना। 2.5, 2.5, 2.1, 2.5, 2.7, 2.8 और 2.5। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे अधिक, ऐसा भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज के नंबर गणित में नहीं करते हैं, आप सवाल को कैसे भी उत्तर लिखें लेकिन सारी बातें कहें और स्पष्ट रूप से कहें। सबसे अधिक बारंबारता वाला चर, बारंबारता वाला चर 2.5 है। सबसे ज्यादा बार कौन सी आई है संख्या, 1, 2, 3, 4, 2.5 है, अतः जेड बराबर 2.5 उत्तर। प्रश्न संख्या दो सारणी के रूप में दिया हुआ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। देखिए प्रश्न संख्या दो कैसे करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे सारणी बनाई गई है। ये एक्स है, ये एफ है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये प्रेक्षण है। मान लो 10 नंबर का कोई टेस्ट है, उसमें बच्चों के ये नंबर आए, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5, 6, 7, 8। तीन वाले की बारंबारता है, इसमें दो भी है तो इसलिए हमें, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनकी बारंबारता है 1, 2, 4, 6, 10, 3, 5। बताइए बहुलक क्या है, प्रश्न को समझिए। दो नंबर आए एक विद्यार्थी के, बार बार कितनी बार वही बारंबार होता है, दो नंबर एक विद्यार्थी के, तीन नंबर दो विद्यार्थियों के, चार नंबर चार विद्यार्थियों के, पांच नंबर छह विद्यार्थियों के, छह नंबर दस विद्यार्थियों के, सात नंबर तीन विद्यार्थियों के और आठ नंबर पांच विद्यार्थियों के, ये मान लीजिए अंक है। तो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों के कौन सा अंक आया, छह। तो आप लिखेंगे चर छह की बारंबारता, छह की, ये अंक तो मैंने आपको प्रश्न बना के बताया है, अब ये कुछ और भी हो सकता है। मान लीजिए जूतों के नंबर है, एक किसी स्कीम में गवर्नमेंट ये कहती है कि निशुल्क शूज दिए जाएंगे स्कूल में, दो नंबर जूते एक बच्चे के, तीन नंबर दो बच्चे ऐसे हैं जिनको तीन नंबर शूज आते हैं, चार नंबर चार बच्चों के, पांच नंबर छह के, छह नंबर दस बच्चों के, सात नंबर का शूज तीन बच्चों को और आठ नंबर का पांच बच्चों को। हो सकता है ये शूज के नंबर, हो सकता है ये
मार्क्स हो, अंक, तो ये कुछ भी आंकड़े हो सकते हैं। ठीक, ये दूध भी हो सकता है, 2 किलो दूध एक दिन लिया, 3 किलो दूध 2 दिन लिया, 4 किलो दूध 4 दिन लिया, 5 किलो दूध 6 दिन लिया, 6 किलो दूध 10 दिन लिया, 7 किलो दूध 3 दिन लिया, 8 किलो दूध 5 दिन लिया। आंकड़ों को आपको पढ़ना आना चाहिए, तो आप लिखेंगे चल 6 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, अतः यही बहुलक है, यही बहुलक है, जेड बराबर 6 होता, राइट। अगला सवाल भी ऐसे ही हो जाएगा। अगले दोनों तीनों सवाल ऐसे ही हो जाएंगे, इसमें आपको केवल यह देखना है कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। देखो पांचवा सवाल देखिए, जैसे एक सवाल वो कहना देता हूं, प्राप्तांक प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या प्राप्तांक है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी, 80 तक है। अब बारंबारता देखिए, दस नंबर मिले 2 विद्यार्थियों को, 20 नंबर 8 को, 30 नंबर 16 को, 40 नंबर 26 को, 50 नंबर 20 को, 60 नंबर 16 को, 70 नंबर 7 को, 80 नंबर 4। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 40 की। तो आप लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता चालीस अंक की है, अतः यही बहुलक है। बस इतना सा सवाल है, तो जेड बराबर 40। वर्गीकृत बारंबारता बंटन में आपको यह देखना है कौन से प्रेक्षण की या चर की बारंबारता सबसे अधिक है। अब यदि वर्गीकृत बंटन हो गया, बंटन वर्गीकृत है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन की का बहुलक, तो इसके लिए सूत्र दे दीजिए, याद रखना है आपको, जेड बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे 2f1 - f0 - f2 इंटू एच। एल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। पिछले सवाल में क्या था, एम का जो सूत्र लिया था उसमें एल था माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यहां पर है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। वन बहुलक वर्ग की बारंबारता, जीरो वन से पहले आता है, तो बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता, एफ टू बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और एच वर्गंतराल। एच क्या है? वर्गंतराल। अब आपको एक दो प्रश्न करा देता हूं, उसके बाद अपनी यह प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। देखिए
सवाल नंबर सातवां, आप लोग सारणी को परीक्षा में या होमवर्क में स्तंभाकार में बनाए, उससे क्या है समझने में और प्रश्न हल करने में आसानी रहती है। प्राप्त अंक परीक्षा में आपको पंक्ति रूप में मिलेगी, इसको ऐसे खड़ी साथ ही बना दो यानी कि स्तंभाकार, और यह है छात्र संख्या, छात्र छात्रों की संख्या। 0, 10, 10, 20, 20, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 5, 12, 14, 5, 12, 14, 10, 8, 6। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 20-30 वर्ग की। तो आप लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग 20-30 है, अतः यही बहुलक वर्ग है। इसलिए कीजिए अब सवाल, बताओ सूत्र में L बराबर क्या होगा? 20 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या होगा? हीरो नंबर 1 यानी कि बहुलक, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, 1 से पहले आता है 0 इसलिए F0 हो गया 12, और 1 के बाद आता है 2 इसलिए F2 हो गया 10, और वर्ग अंतराल 30 में से 20 गया तो 10। इस तरह से अब इन मानों को रखेंगे, Z बराबर सूत्र वाला L 20 प्लस ब्रैकेट लगाए F1 14 माइनस 12 बटे टू F1 2 × 14 माइनस 12 माइनस 10 इंटू 10 20 प्लस 14 में से 12 गया 2, 14 × 28 28 में से 22 गए 6, और ये आ गया 10, तो 10 से गुणा करेंगे तो 20, तो 20 प्लस 3 छतिया 18, 2 छतिया 18 3.33 यानी कि 23.33 उत्तर। राइट, इस प्रश्नावली का और आज का अंतिम सवाल, अब यह प्रश्नावली आपकी 17वीं प्रश्नावली समाप्त हुई, इसमें एक भारित माध्यमिक की प्रश्नावली रह रही है, वो मैं देख लूंगा, अगर कोर्स में से कम की गई है तो ठीक है अन्यथा करा देंगे, या फिर कल ही करा देंगे देख लेंगे, क्योंकि यह प्रश्नावली ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। 52-55 नवा सवाल, अंतिम सवाल है ये, वर्ग और बारंबारता दी हुई है, यह है ऊंचाई, ऊंचाई सेंटीमीटर में, और छात्रों की संख्या, बावन से 55 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या, 52 से 55 10,
55 से 58 सेंटीमीटर जिन छात्रों की ऊंचाई है ऐसे छात्र क्लास में 20, 58 से 61 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या है 25 और 61 से 64 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या है 10। ठीक है, इसका आप निकालेंगे क्या बहुलक। तो बहुलक के लिए बोलो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है। अट्ठावन इकसठ है, अतः यही बहुलक वर्ग है। इसलिए L बराबर 58, F1 बराबर 25, F0 बराबर 20, F2 बराबर 10 और H बराबर 3। 61 से 58 गए 3। उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाने पर वर्ग अंतराल मिलता है। सूत्र लिखिए जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 -F2 इंटू एच। 58 प्लस F1 25 माइनस 20 बटे 2 गुणा 25 माइनस 20 माइनस 10 इंटू 3। हल करें 58 प्लस 15 5 आ जाएगा, यह अंश माना जाता है, 5 किए 15, 25 दूनी 50, 50 में से माइनस के 30 गए 20, 5 किया 15, 5 चौक 20, 58.75 उत्तर। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे और यही हमारी प्रश्नावली का अंतिम टॉपिक था, अंतिम प्रश्नावली थी, अंतिम सवाल था। थैंक यू वेरी मच।